एपिसोड में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम आपके परिचय एक ऐसे शख्स से करवाना चाहते हैं जिन्होंने कई सालों तक गुड़गांव धर्म प्रांत के MCCL डायरेक्टर के रूप में सेवा की है, हमारे प्रिय रेवरेंड फादर जिंटो जॉन। आदरणीय फादर जिंटो जॉन सन 1987 मार्च 8 को केरल के अडूर नामक गांव में जन्मे। क्योंकि उनके माता पिता जॉन जकरिया एवं लिजी जॉन काम के कारण उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बसे थे, फादर जिंटो जॉन की सारी परवरिश और स्कूली शिक्षा गाजियाबाद में ही हुई। गाजियाबाद के सेंट पॉल्स अकेडमी में उन्होंने 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। फिर 2005 में पुरोहिताई सेवा करने की इच्छा प्रकार केरल के तिरुवल्ला में इन्फेंट मेरिस माइनर सेमिनारी में दाखिल हुए। 2007 से 2014 तक तिरुवनंतपुरम से सेंट मेरिस मलंकरा मेजर सेमिनारी में पढ़कर फादर जिंटो जॉन ने फिलॉसफी और थियोलॉजी की शिक्षा प्राप्त की। 2015 जनवरी 30 को दिल्ली में नेप्सराई के सेंट मेरिस सिरो मलंकरा कैथोलिक कैथेड्रल में धर्माध्यक्ष अबुन जेकमार बर्नबास के पावन हस्त अभिषेक द्वारा फादर जिंटो जॉन ने पवित्र पुरोहिताई अभिषेक प्राप्त किया। केरल के बाहर पल बढ़कर गुड़गांव धर्म प्रांत के लिए पुरोहित बनने वाले पहले व्यक्ति हैं फादर जिंटो जॉन। पुरोहिताई जीवन के आरंभ में फादर जिंटो जॉन धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अबुन जेकमार बर्नबास के सेक्रेटरी और धर्म प्रांत के माइनर सेमिनारी किरदीबम माइनर सेमिनारी के वाइस रेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। कुछ महीनों बाद उन्होंने पंजाब मिशन में सेवा शुरू की, साथ ही जालंधर सिरो मलंकरा कैथोलिक कलीसिया के विकार के रूप में भी नियुक्त हुए। तत्पश्चात उन्होंने ओडिशा मिशन के जूनागढ़ एवं अन्य जगहों पर सेवा की है। फादर जिंटो जॉन ने 2017-2018 वर्ष में धर्म प्रांत के कैटेगिज्म विभाग के डायरेक्टर के रूप में भी सेवा करी और कई वर्षों तक गुड़गांव धर्म प्रांत के ऑफिशियल कैटेगिज्म MCCL कैंप जीवन दर्शन को भी नेतृत्व दिया। सिरो मलंकरा कैथोलिक कलीसिया के पवित्र कुर्बाना तक्सा एवं कुर्बाना क्रम के हिंदी अनुवाद करने वाले टीम में फादर जिंटो जॉन का योगदान है। 2018 अगस्त से फादर जिंटो जॉन धर्माध्यक्ष के निर्देश अनुसार धर्म प्रांत के लिए इटली के रोम में ओरिएंटल कैनन लॉ अथवा पौरस्त्य कलीसिया नियमों की शिक्षा पूरी कर रहे हैं। प्रिय आदरणीय जिंटो फादर के हर कर्तव्य को प्रभु के समक्ष हम अर्पण करते हुए सूरत MCYM और सूरत चर्च के हर सदस्य के नाम में हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। अब हमारे प्रिय फादर के शब्दों का श्रवण करते हैं। जय यीशु। मैं फादर जिंटो जॉन उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश हैं और सेहतमंद हैं। भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद। स्तोत्र ग्रंथ 133 वाक्य 1, साम 133 वर्स 1। प्रभु के इस वचन के अनुसार साथ रहना अच्छा है, चाहे वो परिवारजनों का हो, भाई बहनों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का या जान पहचान के लोगों का। साथ रहना कितना भला है, सुखद है। लेकिन हमारी जिंदगी में ये अनुभव कई बार अलग निकलता है। साथ रहना कई बार इतना अच्छा भी नहीं लगे। क्यों? साथ रहने का मतलब क्या है? क्या एक साथ रहना एक ही घर के अंदर या लगातार बात करना, जान पहचान बनाए रखना, इसको साथ रहना कहते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। प्रभु के वचन के अनुसार साथ रहने का मतलब प्रभु में साथ रहना। प्रभु में साथ रहने से क्या समझ सकते हैं? मेरे अंदर प्रभु की मौजूदगी दिन ब दिन बढ़ते रहे और मेरे रिश्तों में दूसरे व्यक्तियों के लिए भी प्रभु का सानिध्य बढ़ता रहे। मेरे रिश्तों की नींव प्रभु यीशु मसीह हो, मेरे रिश्तों का जोड़ प्रभु यीशु हो, मेरे रिश्तों का लक्ष्य प्रभु ईश्वर हो।
और जब ये सफल होगा तो मैं भी कह पाऊंगा दाऊद के जैसे, साथ रहना कितना आनंददायक है। तो प्रभु को अपने अंदर कैसे स्वीकारें, कैसे अपने रिश्तों में प्रभु को स्वीकारें? तीन तरीके हैं। संस्कारों द्वारा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया के संस्कारों द्वारा, सैक्रमेंट्स। दूसरा, पवित्र वचन द्वारा, बाइबल। तीसरा, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं द्वारा, पर्सनल प्रेयर। इन तीन मार्गों द्वारा हम धीरे धीरे अपने अंदर और अपने रिश्तों में भी प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं, उनकी सानिध्य को बढ़ाते हैं। और जब ये सानिध्य धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो मैं दूसरों को प्यार करता रहूंगा, उनकी खातिर नहीं, उनके अनुभव के खातिर नहीं, चाहे वो मुझसे प्यार करे ना करे, मैं उनसे प्रेम करता रहूंगा, अपने इस रिश्ते में प्रेम बरकरार रखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु है। मैं उनको समझने लगूंगा, उनको क्षमा करने लगूंगा और नित्य जीवन की ओर बढ़ता रहूंगा। तब साथ रहने में हमेशा खुशी मिलेगी। वो खुशी अनश्वर है, कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए हम कोशिश करें कि हर पल हर दिन अपने अंदर और अपने रिश्तों में प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाएं और तब साथ रहें, और साथ रहना फिर अच्छा होगा। मैं सूरत एमसी वायम का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने इस हिडन नामक प्रोग्राम से, हिडन का अर्थ चरवाहे, इस योजना द्वारा गुड़गांव धर्म प्रांत के सभी फादर लोगों को विश्वासी जनों के सामने परिचित करने की कोशिश की है। हम सबों पर, हमारे धर्म प्रांत के ऊपर और सभी विश्वासी जनों पर प्रभु ईश्वर की कृपा और करुणा सदा बनी रहे।